वार्ड सदस्यों ने प्रशिक्षण का किया बहिष्कार, बीपीआरओ की उदासीनता के कारण किया नारेबाजी, ट्रेनिंग में नहीं दिखा कुछ भी व्यवस्था। मधुबनी जिले के हल्लाकी प्रखंड की कलना पंचायत सरकार भवन पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण में भाग लेने पहुंचे दर्जनों वार्ड सदस्यों ने अव्यवस्था को लेकर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के विरुद्ध रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। दरअसल सिसौनी, कलना, नहरनिया व सोटगांव इन 4 पंचायतों के वार्ड सदस्यों ने प्राप्त सूचना के आधार पर प्रशिक्षण में भाग लेने पहुंचे हुए थे, जहां किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं रहने के कारण आक्रोशित वार्ड सदस्यों ने जमकर नारेबाजी किया। उसके बाद सभी वार्ड सदस्य प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां बीपीआरओ से मिलकर शिकायतें भी की, लेकिन बीपीआरओ के द्वारा कोई भी ठोस जवाब नहीं मिलने पर पुनः सभी वार्ड सदस्यों ने प्रखंड मुख्यालय पर भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल सिसौनी पंचायत के दीपक कुमार, मनोज ठाकुर, स्वाति देवी, नहरनिया के बबलू ठाकुर, अहमद हुसैन, हैदर अली, सोडगांव के उप मुखिया चंदन कुमार महतो, राजेश कुमार, राजकुमार, राजू कुमार, अंजू देवी, कलना के लक्ष्मी मंडल, पूनम देवी, जानकी देवी, वीणा देवी समेत दर्जनों वार्ड सदस्यों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि हम लोगों को ट्रेनिंग में बुलाया गया, लेकिन यहाँ ना तो बैठने की पर्याप्त जगह है और ना ही कुछ खाने पीने की व्यवस्था की गई है। इतने गर्मी में हम लोग परेशान होकर यहाँ पहुँचे हुए, लेकिन बीपीआरओ के उदासीनता के कारण हम लोगों ने ट्रेनिंग का बहिष्कार करना पड़ा है। कई वार्ड सदस्यों ने बताया कि पूर्व के वार्ड सदस्यों के द्वारा अभी तक चार्ज भी नहीं दिया गया है, फिर ट्रेनिंग लेकर ही क्या करेंगे जब हम लोग कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं। वहीं ट्रेनर के रूप में पहुंचे जयदीप घोष ने बताया कि जिस कमरे में ट्रेनिंग देना है उसमें तकरीबन 20 से 25 कुर्सी लगाने की क्षमता है, जबकि उपस्थित वार्ड सदस्यों की संख्या करीब 70 है, जिसके कारण ट्रेनिंग देने में बाधा उत्पन्न हो रही है। बीएनपी न्यूज़ के लिए संवाददाता राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। इतना लोग हमांगा कर रहा है, यहाँ न पानी का व्यवस्था है, न बैठने का व्यवस्था है, न बिजली का व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं, यही बात है। प्रभार भी नहीं दिया, इसका प्रभार भी नहीं है, पहले लोग जहाँ तहाँ अपना घूम रहा है। प्रशिक्षण का टाइम दे दिया, प्रशिक्षण देने वाला कोई, यही बात और क्या है। वार्ड नंबर 16 कलना पंचायत, नाम लक्ष्मी मंदिर, क्या समस्या क्या आप लोगों को? सर, हम लोगों को कल सूचना के मुताबिक, इससे पहले भी हमने कहा है, कल सूचना मिली जो 11 बजे से आप लोगों को यहाँ ट्रेनिंग मिलेगा, लेकिन कलना पंचायत भवन पर अभी तक हम लोग 1 घंटा से यहाँ वेट कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की व्यवस्था, न बैठने की व्यवस्था है, न पानी व्यवस्था है, सारे लोग गर्मी से यहाँ परेशान हो रहे हैं। क्या समझ रहे हैं ये सरकार, क्या समझ रही है यहाँ पर प्रखंड के लोग, यहाँ क्या समझ रहे हैं लोगों को? क्या कोई इज्जत नहीं है किसी लोगों को? वास्तव में कोई इज्जत नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि सरकारी व्यवस्था के मुताबिक ये कहीं है, सब नींव यही है, इसका सरकार की नींव होती है, लेकिन इसे कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, कोई इज्जत नहीं है। ट्रेनर तो आए हुए हैं ना, ट्रेनर आए हुए हैं, ट्रेनर आए हुए हैं, लेकिन वो तैयार हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था, उनको व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था नहीं है। क्या परिचय आपका? जी आपका परिचय? मैं मनोज कुमार ठाकुर, सिसौनी पंचायत, वार्ड नंबर 11। नमस्ते आप लोग। हम लोग 11 बजे से आके अभी तक 1 घंटा हो गया, 12 बज चुका है। यहाँ पे मीटिंग था जो प्रशिक्षण का, उसमें अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग 1 घंटे से खड़े हैं यहाँ, न पानी का व्यवस्था है, न बैठने का व्यवस्था है, न कहीं पंखा वंखा कुछ का व्यवस्था नहीं है। और ट्रेनर आए हैं, ट्रेनर बता रहे हैं कि यहाँ का बीपीआरओ का भार था यहाँ पे सब कुछ करने का, लेकिन बीपीआरओ यहाँ पे है नहीं। और ट्रेनर आए हैं तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, तो कैसे ट्रेनिंग होगा? हम लोग इसलिए यहाँ पे बीपीआरओ के खिलाफ बोल रहे हैं। हम लहरनिया पंचायत वार्ड नंबर 16 से बोल रहे हैं। हम लोग 11 बजे आए हैं यहाँ, लॉक भी नहीं खुला था, 11:20 में खुला, बाद में ट्रेनर साहब भी आए, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। लोग पानी से तराई तराई कर रहा है, गिर रहा है यहाँ गर्मी से, इसमें क्या ट्रेनिंग होगा? ना कोई व्यवस्था है, ना कुछ है, और हम लोगों को बुला लिया। क्या वार्ड सदस्य को क्यों सरकार खड़ा किया? या तो वार्ड सदस्य से रिजाइन ले ले बीपीआरओ साहब। हम लोग को जो है सो कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पर किया, हम लोग जो है इनके खिलाफ इसलिए हम लोग नारा लगाए हैं। आई हूँ 11 बजे से आई हूँ, और यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, गर्मी से हम लोग तरस रहे हैं। टाइम दिया था तो टेलर का आए हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है पानी और का। सतगाँव पर मेरा नाम मंजू देवी है, 12 नंबर वार्ड। क्या जी बोला है यहाँ पर, फिर तो मंगा लिया जी, नहीं पानी की व्यवस्था, नहीं खाने की व्यवस्था, नहीं कोई चीज़ की व्यवस्था। इस बार 18 वार्ड से हम
टाइम दिए थे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, ना यहाँ कोई चीज़ बैठने का व्यवस्था है, ना पानी का, ना बिजली का, कोई चीज़ का नहीं। गर्मी से हम लोग मर रहे हैं। क्या अब क्या है? वार्ड सदस्य 10 का सिसोनी पंचायत से। क्या नाम है आपका? सीता देवी। सर, यहाँ पर वार्ड सदस्य के द्वारा यहाँ पर हंगामा किया जा रहा है कि यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। जी, आज 3 दिवसीय ट्रेनिंग का व्यवस्था किया गया था जो पंचायत सरकार भवन कलना में आयोजित किया गया था, लेकिन यहाँ पर 4 पंचायत टोटल, जैसे कि सिसोनी, कलना, नहरनिया और सोटगांव, सभी वार्ड सदस्य आए हुए हैं, लेकिन उन लोगों को बहुत परेशानी है यहाँ पर, इसीलिए ताकि कोई भी बैठने का व्यवस्था नहीं है, ना पानी का, ना कुछ खाने का यहाँ पर व्यवस्था है। और सही ढंग से जब तक सभी लोग नहीं बैठेंगे तब तक प्रशिक्षण देने में बहुत कठिनाई हो रहा है। और यहाँ पर जो रूम में जो बैठने का व्यवस्था है, यहाँ पर सिर्फ 20 से 22 ही कुर्सी लगा हुआ है, जो इतना जो संख्या में उपस्थित हुए हैं सभी लोग ट्रेनिंग लेने के लिए जो उत्सुक है, उन लोग ट्रेनिंग पाने में बाधा प्राप्त इसीलिए हो रहा है, और हम भी ट्रेनिंग देने के लिए प्रस्तुत है, लेकिन ट्रेनिंग देने में हमको कठिनाई हो रहा है यहाँ का अरेंजमेंट के कारण। अरेंजमेंट जब तक ठीक नहीं होगा तब तक प्रशिक्षण देने में बहुत असुविधा है। क्या नाम? मेरा परिचय हुआ जयदीप घोष, मैं जेई हुआ कलना पंचायत का।